मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की कसरावत में सोमवार को बॉम्बे आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सेंचुरी के मजदूर जो कि पिछले 26 महीनों से रोजगार की मांग को लेकर सेंचुरी मगरखेड़ी सतराटी के मेन गेट पर अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन चला रहे, जिन्होंने कल सोमवार को जेएनयू नई दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50-60 नकाबपोश बदमाशों द्वारा प्रायोजित तरीके से छात्र और छात्राओं पर लाठियां और लोहे के राड़ों और अन्य हथियारों से हमला किया था। उनके विरोध में मशाल रैली निकाली गई। मशाल रैली में मजदूरों के साथ साथ महिलाएं और बच्चे भी सभी शामिल थे। नारेबाजी के साथ मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मजदूरों ने कहा कि हम हिंसा के बिल्कुल विरोधी हैं और इस प्रकार के हमले का कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अहिंसा के द्वारा ही किसी भी समस्या का निपटारा किया जा सकता है और कोई भी हो जो जेएनयू में हिंसा किया है उसे सरकार तत्काल गिरफ्तार करे और छात्र छात्राओं को न्याय दिलाए। हम सेंचुरी के मजदूर छात्र छात्राओं से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एनआरसी के विरोध करने वालों से भी अनुरोध है कि इस विरोध का अहिंसात्मक तरीका अपनाएं। हिंसा और आगजनी का इस देश में कोई स्थान नहीं है। सरकार से भी अनुरोध है कि आज देश की मुख्य समस्या रोजगार और आर्थिक सुधार है, भ्रष्टाचार है, इस पर ध्यान दे। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।